Mamãe. जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, स्टेट मशीन डायग्राम फॉर वाटर फेजेस। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट फेजेस ऑफ वाटर लाइक लिक्विड, वेपर, सॉलिड एंड प्लाज्मा, और उसमें हम डिफरेंट ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा एक स्टेट से दूसरा स्टेट चेंज हो सकता है। एकदम ओके। फ्रीजिंग इज फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू स्टेट। फ्रीजिंग जब हम करेंगे तो हमारे पास स्टेट कैसे चेंज हो जाएगा, लिक्विड से आइस में, तो एक सॉलिड स्टेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ट्रांजिशंस परफॉर्म कर सकते हैं वाटर पे, जिसपे उसके डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट स्टेट से, स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, वो डिफरेंट ट्रांजिशन से अगर चेंज हो सकते हैं। कंडेंसेशन इज अ फेज चेंज फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड। वेपर स्टेट से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कंडेंस करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं जिसकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं। तो इसकी स्टेट मशीन डायग्राम कैसी बनेगी हमारे पास? प्लाज्मा, प्लाज्मा फॉर्म में हमारे पास जब उसको डीआयनाइजेशन करेंगे तो वाटर वेपर बनना स्टार्ट होगा। वाटर वेपर को जब हम कंडेंस करेंगे तो लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस और फ्रोज बन जाएगा, जैसे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जब उसको मेल्ट करेंगे तो अगेन लिक्विड वाटर बन जाएगा, फ्रीज करेंगे तो अगेन हमारे पास सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सो प्लाज्मा के जब हम वाटर वेपर से जब दोबारा उसकी आयनाइजेशन करेंगे तो वो फिर से हमारे पास प्लाज्मा फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ट्रांजिशंस। अगर वाटर वेपर फॉर्म में जब हम उसको डिपॉजिट करेंगे तो आइस फॉर्म में बनेगा, जब उसकी सब्लिमेशन करेंगे तो वो दोबारा से वाटर वेपर बन जाएगा। वाटर वेपर को जब कंडेंस करेंगे लिक्विड वाटर, दोबारा से वेपराइज करेंगे तो दोबारा से वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। स्टेट कौन से हैं? प्लाज्मा, वाटर वेपर, लिक्विड वाटर एंड सॉलिड, आइस और फ्रोज। और ट्रांजिशन क्या क्या परफॉर्म हो रही है एक फेज से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए? आयनाइजेशन, डीआयनाइजेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, डिपोजिशन, सब्लाइमेशन। सो दीज आर द डिफरेंट ट्रांजिशन जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ ट्रांजिट कर रही है हमारे वाटर को।
ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? अच्छा ये वाली एग्जांपल क्लियर है क्लास? बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, इसमें कोई हमारे पास गार्ड कंडीशन, बुलियन एक्सप्रेशन कोई नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास? ओके नेक्स्ट हमारे पास है एटीएम की ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके लिए हम स्टेट मशीन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। दो ट्रांजेक्शन कौन सी हो रही हैं? अगर वाटर वेपर है, अगर अगर हम उसको डिपॉजिट करेंगे तो आइस और फ्रॉस्ट बन जाएगा, अगर डिपॉजिट नहीं करेंगे कंडेंस करेंगे तो लिक्विड वाटर बन जाएगा। एट ए टाइम तो कोई एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी ना, जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी उसी के अकॉर्डिंगली स्टेट चेंज होगा। अगर हम उसको दोबारा से आयनाइज कर देंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, डीआयनाइजेशन करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर को डिपॉजिट करेंगे तो आइस बन जाएगी, अगर उसको सब्लाइमेशन दोबारा से करेंगे तो दोबारा से वाटर वेपर बन जाएगा, अगर कंडेंस करेंगे वाटर वेपर को तो लिक्विड वाटर, उस लिक्विड वाटर को जब दोबारा से वेपराइज करेंगे तो फिर से वाटर वेपर बन जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जो किसी एक ट्रांजिशन अकर होने पर परफॉर्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास स्टेट मशीन डायग्राम की है। एटीएम इज इनिशियली टर्न ऑफ। ठीक है, स्टार्ट में हमारे पास एटीएम क्या है? टर्न ऑफ है। आफ्टर द पावर इज टर्न ऑन, जैसे ही हम उसकी पावर ऑन करेंगे एटीएम परफॉर्म स्टार्ट एट एक्शन एंड एंटर सेल्फ टेस्ट स्टेट। ठीक है, अभी इनिशियली टर्न ऑफ है, हमने पावर ऑन की, एटीएम स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद सेल्फ टेस्ट टेस्ट स्टेट पे होगा। इफ द टेस्ट फेल्स, अगर वो टेस्ट फेल हो गया एटीएम गोज इनटू आउट ऑफ सर्विस स्टेट। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक सेल्फ टेस्ट स्टेट होगा एटीएम का, अगर वो टेस्ट पास हो जाता है तो ठीक है, अगर फेल हो जाता है तो एटीएम आउट ऑफ सर्विस स्टेट पे चला जाएगा। अदरवाइज देयर इज ट्रिगरलेस ट्रांजिशन टू द आइडल स्टेट। ठीक है, अगर आउट ऑफ सर्विस नहीं जाता तो फिर वेटिंग स्टेट पे होगा। ठीक है, जिसमें कोई भी ट्रिगर आप परफॉर्म करेंगे तो वो आइडल स्टेट पे चला जाएगा। इन दिस स्टेट एटीएम वेट्स फॉर कस्टमर इंटरेक्शन। जैसे जैसे हम एटीएम रूम में जाते हैं जहाँ एटीएम होता है हमारे पास, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एटीएम वेट कर रहा होता है और एक मैसेज थ्रो कर रहा होता है, एंटर योर कार्ड, प्लीज एंटर योर कार्ड। इट मीन्स ये वो आइडल स्टेट पर है और वेट कर रहा है कि कस्टमर इंटरेक्ट करे, अदर कार्ड एंटर करे और थ्रू बायोमेट्रिक एक्टिविटी परफॉर्म करे। द सिस्टम स्टेट चेंजेस फ्रॉम आइडियल टू सर्विंग कस्टमर व्हेन द कस्टमर इंसर्ट्स बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड इन द एटीएम कार्ड रीडर। ठीक है, चेंज कैसे होगा आइडियल स्टेट से सर्विंग कस्टमर पे, कब जाएगा? जब कस्टमर अपना कार्ड एंटर करेगा। ऑन एंटरिंग द सर्विंग कस्टमर स्टेट, जब आपका कस्टमर स्टेट सर्विंग कस्टमर स्टेट पे आ गया एटीएम, द एंट्री एक्शन रीड कार्ड इज परफॉर्म। फिर वो क्या करेगा, कार्ड को रीड करेगा कि अदर कार्ड वैलिड है, ठीक है, उसके एक्सपायर तो नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। नोट दैट ट्रांजिशन फ्रॉम सर्विंग कस्टमर स्टेट बैक टू द आइडल स्टेट कुड बी ट्रिगर्ड बाय कैंसिल इवेंट, एज द कस्टमर कुड कैंसिल ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम। अगर कस्टमर जो है वो कैंसिल बटन प्रेस कर देता है तो आपका फॉरन जो है सिस्टम जो है वो सर्विंग कस्टमर से कहाँ चला जाएगा, दोबारा से आइडियल स्टेट पे वापस चला जाएगा। सो ये सिनेरियो है। सर्विंग कस्टमर स्टेट इज अ कंपोजिट स्टेट। ठीक है, सर्विंग कस्टमर स्टेट एक कंपोजिट स्टेट है, मींस कि उसके सब स्टेट भी हो सकते हैं, जिसके सिक्वेंशियल सब स्टेट कौन से हैं, कस्टमर ऑथेंटिकेशन, पहले कस्टमर की ऑथेंटिकेशन होगी, फिर सिलेक्ट करेगा ट्रांजेक्शन कि उसने क्या करना है, विड्रॉ करना है, अमाउंट ट्रांसफर करना है, एंड ट्रांजेक्शन कस्टमर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांजेक्शन आर कंपोजिट स्टेट्स बाय देमसेल्व्स। ठीक है, दीज आर द सब स्टेट्स फॉर सर्विंग कस्टमर। सर्विंग कस्टमर के सब स्टेट्स कौन कौन से हैं, कस्टमर ऑथेंटिकेशन, पहले कस्टमर को ऑथेंटिकेट करेगा, लाइक पिन की आइडेंटिफिकेशन, पहले पिन इंसर्ट करेगा, फिर सिलेक्टिंग ट्रांजेक्शन, फिर सिलेक्ट करेगा ट्रांजेक्शन एंड देन ट्रांजेक्शन। कस्टमर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांजेक्शन आर कंपोजिट स्टेट बाय देमसेल्फ व्हिच इज शोन विद हिडन डीकंपोजिशन इंडिकेटर आइकन। कस्टमर और ऑथेंटिकेशन, कस्टमर ऑथेंटिकेशन और ट्रांजेक्शन क्या है, कंपोजिट स्टेट इटसेल्फ है, जो कि जिसके अंदर फर्दर जो है वो डिफरेंट जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है। इट मीन्स सर्विंग कस्टमर इज अ कंपोजिट स्टेट जिसकी फर्दर टाइप कौन कौन सी है, कस्टमर ऑथेंटिकेशन, सिलेक्टिंग ट्रांजेक्शन एंड सिंपल ट्रांजेक्शन, जबकि कस्टमर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांजेक्शन इटसेल्फ आर कंपोजिट स्टेट्स।
ये सब क्या है, ये भी कंपोजिट स्टेट्स हैं जो कि जिसमें हिडन डिकम्पोजिशन इंडिकेटर आइकन यूज हो रहे हैं। ठीक है, कस्टमर ऑथेंटिकेशन में जब हम पिन एंटर करते हैं तो वो कार्ड की वैलिडिटी चेक कर रहा होता है, हमारे नाम के अगेंस्ट चेक कर रहा होता है, ये चीजें हमारे पास शो नहीं हो रही, बट बैकएंड पे वो कर रहा होता है। और इसी तरह जो ये बैकएंड पे ट्रांजेक्शन चल रही होती है वो भी ऑटोमेटिक चल रही होती है। सर्विंग कस्टमर स्टेट हैज ट्रिगरलेस ट्रांजेक्शन बैक टू द आइडल स्टेट आफ्टर ट्रांजेक्शन इज फिनिश। जैसे ही हमारे पास ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी, हमारा सिस्टम जो है वो सर्विंग स्टेट से दोबारा आइडल कंडीशन पे चला जाएगा। द स्टेट ऑल्सो हैड एग्जिट एक्शन, इस स्टेट में हमारे पास एग्जिट एक्शन भी है जिसमें इजेक्ट कार्ड विच रिलीजेस कस्टमर कार्ड ऑन लीविंग द स्टेट। जैसे ही आपका स्टेट एंड होगा वो क्या करेगा, कस्टमर के कार्ड को इजेक्ट कर देगा, नो मैटर व्हाट कॉज द ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द स्टेट। अब उसमें कोई रीजन नहीं पता है कि मतलब रीजन कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से सिस्टम या ट्रांजिशन आउट ऑफ स्टेट हुई है। हो सकता है कि आपका एटीएम जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो, प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो, कैश नहीं हो उसमें, आपकी जो है वो ऑथराइजेशन सही से नहीं हुई, किसी भी सिनेरियो पे वो कार्ड दोबारा वापस इजेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, सीक्वेंस डायग्राम, वो किस कुछ इस तरीके की बनेगी। सबसे पहले स्टेट क्या होगा हमारे पास, ऑफ। ठीक है, अभी ऑफ स्टेट है। जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे, जैसे ही टर्न ऑन करेंगे पावर, उसका सेल्फ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होने पर आइडल कंडीशन पे चला जाएगा, और अगर फेलियर हो गया तो आउट ऑफ सर्विस पे चला जाएगा। आउट ऑफ सर्विस पे गया तो दोबारा से टर्न ऑफ हो जाएगा और स्टेट उसका दोबारा से ऑफ हो जाएगा। फिर टर्न ऑन किया, फिर सेल्फ टेस्ट होगा। अगर इस टाइम सेल्फ टेस्ट जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आइडल कंडीशन पे चला जाएगा। अब आइडल कंडीशन से मींस नाउ इट्स वेटिंग फॉर यूजर टू एंटर सम ट्रांजेक्शन और एंटर हिज कार्ड। अब आइडल स्टेट से ये दो स्टेट पे जा सकता है, एक तो सर्विस, सर्विस मेंटेनेंस, जैसे अगर एटीएम को क्लोज करके उसकी सर्विस कर रहे हैं, आइडल कंडीशन पे मेंटेनेंस हुई, मेंटेनेंस पे अगर फेलियर हो गया तो फिर से आउट ऑफ सर्विस पे जाके ऑफ हो जाएगा, और अगर फेलियर नहीं हुआ, सर्विसिंग हो गई, मेंटेन हो गया, फिर दोबारा से सेल्फ टेस्ट करेगा, सारी टेस्टिंग सही हो गई, सक्सेसफुल हो गया टेस्ट, तो दोबारा से आइडल कंडीशन पे चला गया। आइडल कंडीशन से नाउ इट्स वेटिंग फॉर कस्टमर टू एंटर हिज और हर कार्ड। कार्ड इंसर्ट हुआ, कार्ड इंसर्ट होते ही हमारे पास सब स्टेट स्टार्ट हो गए, यानी कि आइडल स्टेट इज अ कंपोजिट स्टेट जिसके सब स्टेट हमारे पास कौन कौन से हैं, कस्टमर ऑथेंटिकेशन, सिलेक्टिंग ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, एंट्री होगी, कार्ड को रीड करेगा और यहाँ से एग्जिट अगर बटन प्रेस कर देता है यूजर कैंसिल, तो कार्ड क्या होगा, ये वापस इजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कस्टमर ऑथेंटिकेशन होगी, कस्टमर ऑथेंटिकेट हो गया, फिर वो सिलेक्ट करेगा ट्रांजेक्शन की कौन सी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, और फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाएगी जिसमें से कस्टमर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांजेक्शन आर फर्दर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, जिसमें कस्टमर ऑथेंटिकेशन पे बैकएंड पे वो जो चीजें ऑथेंटिकेट कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट सब स्टेट्स में मूव कर रहा होगा। इसी तरह जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो ट्रांजेक्शन करते वक्त बैंक अकाउंट से कनेक्टिविटी चेक करेगा कि जो बैलेंस आपने इनपुट किया है वो इतना, उससे ज्यादा बैलेंस आपके अकाउंट में है या नहीं है, तो ये सारी चीजें बैकएंड पे खुद से कर रहा होगा। ठीक है, सो ये वाला ट्रांजेक्शन एंड कस्टमर ऑथेंटिकेशन आर इटसेल्फ कंपोजिट स्टेट्स एज वेल। ठीक है, यहाँ पे फिर अगर हमारे पास इस ट्रांजेक्शन के बीच में कोई फेलियर आता है, कभी अक्सर हमारी यूनिवर्सिटी के एटीएम में भी ऐसे हो जाता है, या हम बाहर से भी कोई एटीएम करते हैं तो उस पर फेलियर आ जाता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन